नमस्कार। हम देश के सबसे बड़े प्रदेश और भारत को प्रधानमंत्री देने वाला उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मिशन 2022 का सेमीफाइनल पंचायत चुनाव के नतीजों की समीक्षा करेंगे। कैसे इस सेमीफाइनल में प्रदेश सरकार के कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के गढ़ों में भी कमल मुरझा गया। समीक्षा में जो तथ्य सामने आए हैं वह आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को जरूर डरा रहा है। सबसे बड़ी चिंता कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के क्षेत्रों में हार की है। कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों से जो नतीजे आए हैं वह बहुत ही निराशाजनक है। भाजपा गोरखपुर क्षेत्र से आजमगढ़, बस्ती और गोरखपुर मंडल के 10 जिले जुड़े हैं। इन जिलों में विधानसभा की 62 सीटें हैं। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहाँ से 44 सीटें जीती थी। इसी लिहाज से योगी मंत्रिमंडल में 4 कैबिनेट व 5 राज्य मंत्रियों को स्थान मिला। इसमें से कुछ के पास स्वतंत्र प्रभार भी हैं। इतना सब होने के बावजूद यहाँ से भाजपा सेमीफाइनल के मैच लगभग हार ही गई है, जिसकी चिंता दिल्ली तक दिखाई दे रही है। अब हम उन मंत्रियों के क्षेत्रीय प्रदर्शन पर एक बार नज़र डालते हैं जिनके चलते दिल्ली तक चिंता की आंच पहुंच चुकी है। सबसे पहले सूर्य प्रताप शाही, कृषि मंत्री, ये सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र पत्थरदेवा जिला देवरिया है। इस जिला पंचायत में कुल 10 वार्ड, लेकिन यहाँ से भाजपा को केवल 1 सीट पर जीत मिली है। अगर हार की वजह की समीक्षा करते हैं तो स्थानीय कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक या कृषि मंत्री का विधानसभा क्षेत्र में आना जाना न के बराबर हो गया था। इससे जनता में नाराजगी बढ़ी। इस क्षेत्र के ज़्यादातर टिकट कृषि मंत्री की सिफारिश पर दिए गए थे, फिर भी पार्टी प्रत्याशियों को करारी हार मिली है। पार्टी आलाकमान को भेजी रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि मंत्री विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं, इन पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप है। क्षेत्र में नाराजगी का यही आलम रहा तो आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को यहाँ बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री राजा जय सिंह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण के दायित्व के साथ हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र बांसी जिला सिद्धार्थनगर है। इनके क्षेत्र में भी जिला पंचायत वार्ड की संख्या 10 है। यहाँ से भाजपा ने केवल 2 सीट जीती है। अगर हार की वजह पर ध्यान देते हैं तो मंत्री 7वीं बार चुनाव जीते हैं, फिर भी जिला पंचायत चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप नतीजे नहीं आए हैं। पार्टी के ही लोग आरोप लगाते हैं कि हार का प्रमुख वजह पार्टी नेताओं की आपसी गुटबाजी है। यहाँ की स्थिति यह है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सिर्फ गुटबाजी ही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, फिर भी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हुई, इससे भी नाराजगी है। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य श्रम सेवा योजन समन्वय मंत्री हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र पडरौना सदर जिला कुशीनगर है। यहाँ भी जिला पंचायत वार्ड की संख्या 10, लेकिन भाजपा ने केवल 3 सीट जीती है। यहाँ भी हार की वजह विधायक व मंत्री का क्षेत्र में आना जाना कम और आपसी गुटबाजी तथा प्रत्याशियों के चयन में गड़बड़ी बताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान, वन पर्यावरण व जंतु उदयन मंत्री के पद पर आसीन है। इनका विधानसभा क्षेत्र मधुबन जिला मऊ है। इस जिला पंचायत में कुल 9 वार्ड हैं, जहां भाजपा केवल 1 पर ही जीती है। यहां भी हार की वजह उनका क्षेत्र से दूर रहना ही बताया जा रहा है। वह मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि स्थानीय विधायक के तौर पर जिला पंचायत वार्डों के चुनाव में इन्होंने रुचि नहीं ली। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी भारी पड़ गई। राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद मत्स्य पालन, पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर जिला देवरिया है। इनके क्षेत्र में पंचायत वार्ड की संख्या 8 है, जिसमें 2 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है। यहाँ हार की वजह मंत्री का नाम भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में उछला था। इस मामले में कुछ पत्रकार जेल भी गए थे, इसका असर चुनाव में देखने को मिला। मंत्री अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं,
बहू को गौरी बाजार से ब्लॉक प्रमुख बनवाने की मुहिम में लगे हैं। भाजपा नेता और कार्यकर्ता का कोई उपयुक्त काम नहीं हो रहा है, इससे नाराजगी बढ़ी है। कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान कार्यकर्ता घर बैठ गए, जिससे पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र इटावा जिला सिद्धार्थनगर है। इनके पंचायत वार्ड में 7 सीट हैं, जिसमें भाजपा को 4 सीट मिली। यहाँ लगभग पार्टी का प्रदर्शन ठीक रहा, जिसका श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इनके विषय में कहा जा रहा है कि विधायक के तौर पर मंत्री ने जिन प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा या उतरने की सिफारिश की थी, उनके लिए चुनाव प्रचार भी किया। इसी का नतीजा रहा कि 4 सीटों पर जीत मिली। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी खेलकूद युवा कल्याण पंचायती राज मंत्री हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र फेफना जिला मऊ है। इनके यहाँ पंचायत वार्ड की संख्या 6 है, जिसमें भाजपा को 1 भी सीट नहीं मिली है। यहाँ हार की वजह क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पार्टी के स्थानीय नेताओं में गुटबाजी है और विधायक व मंत्री का क्षेत्र से दूरी है। जब से ये मंत्री बने हैं, क्षेत्र से दूर रहते हैं। नतीजा है कि अब जनता इनको पहचानने से इनकार कर रही है, जिसकी खामियाजा पार्टी भुगत रही है। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ग्राम्य विकास व संसदीय कार्य मंत्री हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र बलिया शहर जिला बलिया है। इनके क्षेत्र में पंचायत वार्ड की संख्या 10 है। यहाँ भाजपा को केवल 2 सीटें मिली हैं। यहाँ भी हार की वजह क्षेत्र में सुविधा संसाधनों का अभाव कहा जा रहा है। मंत्री बनने के बाद से विधायक का क्षेत्र में बहुत कम आना जाना रहा। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं का सामान्य काम भी नहीं हो पा रहा है, इससे नाराजगी बढ़ी है और क्षेत्र में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीराम चौहान उद्यान कृषि विदेश व्यापार कृषि निर्यात मंत्री हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र घनघटा जिला संत कबीर नगर है। इनके क्षेत्र में जिला पंचायत वार्ड 10 हैं, जिसमें भाजपा को 2 सीटें मिली हैं। यहाँ भी हार की वजह पार्टी कार्यकर्ताओं में आपसी तालमेल का अभाव रहा। इसके साथ ही पूर्व मंडल अध्यक्ष सहित 40 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया, जिससे पार्टी हार लगभग तय हो गई। यहाँ भी पार्टी की गुटबाजी अपने चरम पे है। अब हम एक नज़र उन जिलों के विधानसभा क्षेत्रों पर डालते हैं जहाँ भाजपा को 1 भी सीट नहीं मिल सकी। सबसे पहले जिला आजमगढ़, विधानसभा है सगड़ी सदर लालगंज, यहाँ भाजपा को 1 भी सीट नहीं मिली। जिला बलिया, विधानसभा है रसड़ा फेफना, यहाँ ये नील रहे। जिला मऊ मोहम्मदाबाद सदर मधुमन, यहाँ भी भाजपा नील रही। जिला देवरिया सदर सलेमपुर 2 विधानसभा से भाजपा नील रही। संत कबीर नगर, यहाँ खलीलाबाद विधानसभा से भाजपा नील रही। सिद्धार्थनगर सोरतगढ़ और कपिलवस्तु से भाजपा नील रही। कुशीनगर हाटा ठंडा व सदर, इसके साथ ही जिला गोरखपुर विधानसभा गोरखपुर ग्रामीण खोबरा और चौरी चौरा से सुनील जी जीते जरूर हैं, लेकिन इस क्षेत्र का ज़्यादातर हिस्सा चौरी चौरा में है, लिहाजा पार्टी गोरखपुर ग्रामीण में अपनी हार मान चुकी है, यानी कि हार मान रही है। इस सभी पर अगर हम राजनीतिक निगाह दौड़ाते हैं तो भाजपा के लिए 2022 का फाइनल संदेह के दायरे में है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम उत्तर प्रदेश पर निगाह बनाए हैं और 2022 तक आपको अपडेट करते रहेंगे वहाँ के हर हालत और हालात से। धन्यवाद।